来了半下。来了半下。啊哈。पानी सुटी के दुध दिता दो गुनाला दुध दे क्यों है वो भी छोड़ दिता है तो लंग गया नहीं 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 नाम क्या है कुछ कुछ लंग गया कुछ नहीं लंग गया नहीं सारे दे दिता है अंदर ही बाहर आया और पहले भी चाक चुक दे उरा करा के बाहर पानी आता ही है तो पट्ठे पुट्ठे हुई पहले वाली रूटीन वाली पै रहे नहीं या कोई किसी आई खुराक के विच मतलब बारो चार चूर कितने नहीं है गुजरी ना सर भी कोई नहीं हां इथे ही खुरली ते पाए ने पछे सारे मां ने खाद ने इने पै कर ले खाद जानदा ने कुदम ने गोला ला के पाजे जा अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद रियाज अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा ये एक न्यू किस्म का केस है कि इसको प्रॉब्लम रात की यानी कि बनी हुई है रात एक से दो बजे के करीब ये भैंस यानी कि नीचे एकदम गिरी है और अचानक ही ये तेज तेज सांस ले रही है और आवाज़ें निकाल रही हैं और मुँह से जाग नमा पानी और मुसलसल लगातार आ रहा है इसके कान नीचे को गिरे हुए हैं इसके सींग ठंडे हुए हैं और इसका टम्परेचर जो है वह 94.5 के करीब पहुंच चुका है और इसकी आँख की म्यूक्स मेम्ब्रेन झिल्ली जो है वो रेड है और साथ वाइट भी है ये सब हमने सारी अलामत चेक की तो हमें पता चला इसको साइनाइड पॉइजनिंग का मसला बना हुआ है साइनाइड पॉइजनिंग हमने पहले भी काफ़ी केसेस हल किए हैं लेकिन ये केस थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था लेकिन फिर भी हमने भाई से यही कहा कि यार इसकी हालत तो सीरियस है लेकिन हम कोशिश कर लेते हैं हो सकता है अल्लाह मियाँ की ज़ात इसको तंदुरुस्ती दे दे तो हम इसका इलाज किया NS में सोडियम थायोसल्फेट 100 ग्राम मिक्स करके साथ में 20 ml एट्रोपिन और डेक्सामेथासोन 20 ml डालकर इसको स्लो IV दिया और आधे घंटे के वक्फे के बाद हमने आधा लीटर पानी में मिलाकर भी सोडियम थायोसल्फेट को मिलाकर पिला दिया और साथ आधा किलो घी 1 किलो दूध में मिलाकर वो भी पिला दिया तो ये सब चीज़ें देने के बाद एक दफ़ा तो भैंस की तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी लेकिन साथ इंजेक्टिबल तौर पर हमने कौन से इंजेक्शन लगाए इंजेक्टिबल तौर पर हमने सेफ्टी फॉर 10 ml पैनाकॉट 10 ml और कीटोजाटर 10 ml दिया।